हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आम का सीज़न है और सभी को आम ही खाने का मन होता है कि इस सीज़न में तो सिर्फ आम ही आम खाते जाओ। और आपने वैसे आम का क्या क्या खाया होगा? रस पिया होगा, श्रीखंड खाया होगा, आम के पापड़ खाए होंगे, पर क्या आपने आम का लड्डू खाया है? नहीं ना, सुना भी नहीं होगा शायद तक। तो आज हम आम का लड्डू बनाएंगे। बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें ना ज़्यादा इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत होती है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि आम का लड्डू, मैंगो लड्डू कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आम का लड्डू बनाना है तो उसमें आम तो बिल्कुल डलेगा ही। तो आम को क्या करेंगे, हम छील लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और फिर इसका क्या बनाना है, हमें पल्प बनाना है। तो उसके लिए छोटे छोटे टुकड़ों को कट करने के बाद ब्लेंड कर लेंगे मिक्सिंग जार में। अब इसे ब्लेंड करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और ना ही दूसरे एलिमेंट्स डालना है। बस आम को ही हमें इसे पीसना है। एक पूरा आम हमने ले लिया था, अब दूसरे पैन में हम क्या करेंगे, एक कटोरी खोपरे का पूरा लेंगे और इसे सेक लेंगे। इससे क्या होगा, जितनी भी नमी होगी ना इसकी, वो सब दूर हो जाएगी और जो नारियल में हल्का सा कच्चापन होता है ना, वो दूर हो जाएगा। तो जैसे ही खोपरे का पूरा जो है वो सुनहरे रंग का हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मैंगो पल्प। तो मैंगो पल्प कितना बना था हमारा, तो आधा कटोरी के करीब ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाए। तो हमने यहाँ पर पूरा आम यूज किया था। अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहेगा, मतलब कि लड्डू बनाते वक्त गैस लो फ्लेम पर ही चलेगा, पूरी प्रोसेस लो फ्लेम पर ही होगी। 2 मिनट कुक होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे 2 मिनट पका लेंगे, फिर उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो इसे हमने 2 मिनट पकाया, उसके बाद हम 1/4 कप के करीब चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर आम जो था वो काफी मीठा था, इसलिए हमने 1/4 कप शुगर डाली। और अगर आपका आम खट्टा हो या मीठा कम हो तो आप उसे बड़ा घटा भी सकते हैं, यानी कि चीनी की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें प्रॉपर कलर आए इसलिए हमने 1 चुटकी फूड कलर ऐड किया है। अच्छे से मिला लेंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो ही रहेगा और जैसे ही जो मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना, हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल हलवे जैसा हो गया, हलवा पूरा कुक हो जाता है तो कढ़ाई जो है वो छोड़ने लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही है, कुक हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और इस पे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इतना कि हम इसे बाइंड कर पाए आसानी से, तो फिर उसके बाद हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू को बाइंड करने में यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही इजीली ये लड्डू बन जाते हैं और इसमें बिल्कुल दरारें भी नहीं बनती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमें इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।